हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लोयल क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में लेक्चर नंबर 4 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिक्सर एंड एलिगेशन, एक नया चैप्टर। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जब दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स किया जाता है तो उसे मिक्सर बोला जाता है, और इस मिक्सर के रेशियो को सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो मैथड है उस मैथड का नाम है एलिगेशन। तो तब ये कम्प्लीट चैप्टर बनता है मिक्सर एंड एलिगेशन। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि हमारे पास कोई भी दो चीज, कोई भी प्रोडक्ट ए है और ये यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया। अब दोनों को हमने क्या किया, मिक्स किया। तो मिक्स किया तो वो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट नंबर सी बन जाएगा। तो एक और बी का जिस रेशियो में हम मिक्स करते हैं वो रेशियो हमारा यहाँ नीचे निकलता है। ए और बी को मिक्स करके क्या बना दिया हमने, सी बना दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस b माइनस c करेंगे और c माइनस a करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए कोई भी चीज मान लीजिए 10 रुपए वाली है और कोई एक चीज है 15 रुपए वाली, और हमने इसको किस में कर दिया, 12 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। कितने में, 12 रुपए में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे इससे क्या मतलब हुआ, 15 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, वही b माइनस सी। फिर ऐसे ही 12 में से अगर 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, c माइनस a। और ये जो 3:2 निकला है ये हमारा होगा आंसर, कि हमने 10 रुपए वाली जो चीज थी वो तो मान लीजिए कि 3 किलो ली थी, और जो ये 15 रुपए किलो वाली चीज थी कितनी ली थी हमने, 2 किलो ली थी। और जब उस 3 और 2 5 किलो को टोटल मिलाया जाता है तो कितने रुपए का बन जाता है, वो 12 रुपए वाला सामान बन जाता है। तो इस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज है, ध्यान रखने वाली वो चीज आप समझ लीजिए कि ये जो बीच वाला नंबर जो होगा, ये जो सी होता है बीच वाला जो नंबर है, ये हमेशा एक से तो छोटा होगा और दूसरे वाले से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब 12 जो है 10 से तो बड़ा है और 15 से क्या होगा, छोटा होगा। हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा, ना इस दोनों से बड़ा हो सकता और ना ही दोनों से छोटा हो सकता। अभी जो बी माइनस सी लिखा है इसकी जगह पे C माइनस बी भी हो सकता है और यहाँ पे A माइनस बी भी हो सकता है। मतलब कि अगर कुछ ऐसा होता, कोई सामान 18 और 15 रुपए वाला है और टोटल करके 16 कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा A छोटा ही होगा, A की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है। यहाँ पे A कितना है, 10, यहाँ पे A 10 था हमारा और यहाँ पे कितना है, 18। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा A छोटा ही होगा, बड़ा छोटा चल सकता है। ध्यान क्या रखना है हमें, जो बीच वाला नंबर है वो हमेशा दोनों के बीच में ही होगा, एक से बड़ा और दूसरे से छोटा, बस। तो 18 और 15 की कोई समान है और उनको 16 में अगर कन्वर्ट कर दिया तो देखिए क्या रेशियो आया, 16 में से 15 गया 1 और 18 में से 16 गया 2, तो 1:2 जो है ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा, हमने इस रेशियो में उन दोनों को मिलाया। तो ये जो ए बी सी, ये जो प्रोसेस है ये तो प्रोसेस कहलाता है मिक्सर, और उसके बाद ये जो माइनस करते हैं हम, ये मेथड कहलाता है एलिगेशन, और इस तरीके से बनता है मिक्सर एंड एलिगेशन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा काफी इजी क्वेश्चन है। 2 types of rice 85 rupees पर केजी एंड 100 rupees पर केजी आर मिक्स टूगेदर मिक्स टू गेट 95 rupees पर केजी राइस। तो दो टाइप के राइस है, एक तो 85 वाला और दूसरा 115 वाला, और दोनों को हमने इस तरीके से मिलाया है कि वो कितने का बन गया, 95 rupees पर केजी वाला बन गया। आगे क्या बोला गया, फाइंड देयर मिक्सिंग रेशियो, तो इनके मिक्सिंग का रेशियो निकाल। सिंपल, हमने मिक्स कर दिया तो मिक्सर हो गया। अब एलिगेशन लगाएंगे, 115 में से 95 जाएगा तो 20 और यहाँ पे 95 में से 85 जाएगा तो 10। हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो ये 20:10 क्या आ गया, 10 आ गया। अगर आगे कटिंग होती है तो करेंगे, अदरवाइज इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2:1 हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। 2 articles cost ₹220 पर केजी एंड 275 rupees पर केजी रिस्पेक्टिवली आफ्टर मिक्सिंग बोथ वन गेट्स 37.5% प्रॉफिट एट 330 rupees पर केजी फाइंड देयर मिक्सिंग रेशियो।
क्वेश्चन तो वही है, हल्का सा इसको थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया। देखिए क्या कहा गया है, दो टाइप का हमारे पास आर्टिकल्स है, एक तो है 220 रुपीज पर केजी, दूसरा है 275 रुपीज पर केजी। दोनों को मिक्स किया, लेकिन मिक्स करके जो सेलिंग प्राइस है वो हमें दिया हुआ 330। जो सेलिंग प्राइस है वो हमें कितना दिया हुआ है, 330 रुपए दिया हुआ है। यहाँ पे 230 रुपए और 275 रुपए क्या यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि यूनिट हमेशा यहाँ पे सेम होनी चाहिए। अगर कॉस्ट प्राइस दे रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस ही बीच में आएगा, कंपैरिजन कॉस्ट प्राइस से ही होगी, सेलिंग प्राइस से नहीं होगी। तो सेलिंग प्राइस 330 हो गया और कितना प्रॉफिट कमाता है, 37.5%, 37.5। तो 37.5 की वैल्यू होती है 3/8। क्या वैल्यू होती है, 3/8। और जब वो प्रॉफिट कर रहा है तो इसका मतलब वो 8 से कहां पे गया, 11 पे गया। तो 8 जो हमारा है ये हो गया कॉस्ट प्राइस, 11 हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो ये जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का एक तरीका है सॉल्व करने का, परसेंटेज को सॉल्व करने का, ये मेथड हम परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में देखेंगे। अभी इसके अंदर ज्यादा जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अब बस ये मान लीजिए कि हमने इसको सॉल्व किया है और किसी तरीके से हमने कॉस्ट प्राइस को निकाल लिया, क्योंकि अभी हमें मिक्सर एंड एलिगेशन समझना है, ना कि प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज। तो जब वो चैप्टर आएंगे तब इन चीजों को वहां क्लियर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 330 रुपए है। सेलिंग प्राइस 11 है, हमारे अकॉर्डिंग 11, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 330। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। अब एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो यहाँ से 8 यूनिट जो कॉस्ट प्राइस है इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 240 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ पे बीच में क्या लिखा जाएगा, 240 रुपए कॉस्ट प्राइस लिखा जाएगा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है, अगर क्वेश्चन पढ़ने में कहीं पे गलती हो जाए कुछ भी, तो देखिए ये जो दिया था ये 330 रुपए दिया था, तो ये 330 जो है 220 से ही बड़ा है और 275 से ही बड़ा है। तो ये जो बीच वाली वैल्यू होती है वो उनके बीच में ही आनी चाहिए, दोनों से बड़ी नहीं हो सकती और दोनों से छोटी नहीं हो सकती। तो 240 हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ बीच में आएगा। एलिगेशन कंप्लीट करेंगे, 275 में से 240 गया तो कितना बच गया, 35, और 240 में से 220 गए तो आया 20। रेशियो लगाया, कटिंग होती है तो कटिंग करेंगे, अदरवाइज सेम आंसर छोड़ देंगे। तो 5/7 = 35 और 5/4 = 20। तो 7:4 ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। चलिए अब इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ए एंड बी आर टू एलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल इन द रेशियो 5:3 एंड 5:11 रिस्पेक्टिवली। एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ दीज एलोए इज मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड एलोए सी। सो फाइंड द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन एलोए सी। अब धीरे धीरे करके दोबारा इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास दो टाइप के एलोएज है, ए एंड बी आर टू एलोएज। तो ये एलोए हो गया ए और ये एलोए हो गया बी, ठीक है। और दोनों में क्या चीज है, गोल्ड और कॉपर, गोल्ड और कॉपर है। अब हमने इनको मिक्स किया किस किस रेशो में, 5:3 में। तो पहले वाले में 5:3 है और दूसरे वाले में है 5:11। तो ये इनके अंदर गोल्ड और कॉपर का रेशो, ठीक है। अब आगे चलिए, एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ दीज एलॉयज इज मेल्टेड। अब हमने इक्वल क्वांटिटी में इनको क्या करना है, मेल्ट करना है। तो यहाँ पे 5 और 3 क्या आ रहा है, 8, और यहाँ पे 5 और 11 आता है 16 टोटल क्वांटिटी। तो इक्वल क्वांटिटी नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 8 का डबल क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए क्या बोला गया है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ दीज एलॉयज। तो हमें ए और बी की इक्वल क्वांटिटी चाहिए, ना कि हमें गोल्ड और कॉपर की चाहिए। तो किसकी इक्वल क्वांटिटी चाहिए हमें, अलॉय की। अलॉय क्या है, ए और बी। तो 8 और 16 है, तो ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10, और ये हो जाएगा 6। तो इस तरफ लिखता हूं मैं, तो अलॉय ए हो जाएगा 10:6 और अलॉय बी हो जाएगा 5:11। तो क्या बताया गया, इज मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड एलॉय सी, और हमने क्या बना दिया, तीसरा एलॉय सी बना दिया। तो सी बनाने के लिए तो हमने क्या किया, इसको प्लस किया। तो 10 और 5 15 और 11 और 6 कितना हो गया, 17।
तो 15:17 जो है ये थर्ड एलॉय सी के अंदर गोल्ड और कॉपर का रेशियो है। आगे हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन एलॉय सी। तो एलॉय सी के अंदर क्या रेशियो बनेगा, 15:17 बनेगा, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ जार कंटेन्ड अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो 4:1। तो दो है लिक्विड ए और बी, 4:1 में। व्हेन 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड, तो 10 लीटर हमें मिक्सचर को रिमूव करना है, ठीक है। एंड द 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड 10 लीटर ऑफ लिक्विड बी वॉज एडेड। तो पहले हमने मिक्सचर को रिमूव किया है, लेकिन जब एड किया तो अकेली बी क्वांटिटी को एड किया, सो डेट द रेशियो बिकम्स 2:3, और जो फाइनल रेशियो बनता है वो फाइनल रेशियो बनता है 2:3। सो द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कंटेन्ड इन द जार इनिशियली वॉज, तो शुरुआत में ए की क्वांटिटी कितनी थी वो पूछा गया। तो रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर में हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर चुके हैं, जिसमें क्या होता है एक बेस रेशियो और दूसरा होता है हमारे पास फाइनल रेशियो, दोनों ही क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बीच वाले नंबर की भी जरूरत है। तो देखिए जैसा बोला गया कि कितने लीटर रिमूव किया हमने, 10 लीटर, तो 10 लीटर अगर हमें रिमूव करना है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास एक पानी की बाल्टी है और या फिर दूध वगैरह कुछ भी है, दूध की बाल्टी है, तो उसके अंदर 2 लिक्विड है ए और बी, 4 हो गया हमारा मिल्क और 1 हो गया हमारे पास क्या वॉटर। तो जब ये दोनों मिक्स है उस बाल्टी से, चाहे हम दूध वाली बाल्टी से, दूध और पानी मिक्सर वाली बाल्टी से, चाहे हम एक बूंद निकालें, चाहे एक गिलास निकालें, चाहे पूरी पूरी बाल्टी चेक करें, उसके हर एक पोर्शन में क्या रेशो बना हुआ होगा, 4:1 बना हुआ होगा। तो ये जो 10 लीटर है इसमें भी तो 4:1 के क्वांटिटी होगी, है ना। तो 10 लीटर को हम रखेंगे किसके बराबर, 5 यूनिट के बराबर, तो यहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 लीटर की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए वाली क्वांटिटी है वो निकलेगी 2 लीटर, और बी ए वाली क्वांटिटी निकलेगी 8 लीटर, और बी वाली क्वांटिटी निकलेगी 2 लीटर। जो हम 10 लीटर रिमूव कर रहे हैं उसमें 8 लीटर कौन सा होगा ए, और 2 लीटर कौन सा होगा बी होगा। 1 की वैल्यू 2 है तो 4 से मल्टीप्लाई करके 8 और 1 से मल्टीप्लाई करके 2। अब आगे चलते हैं, क्या बोला गया, अकेली क्वांटिटी कौन सी ऐड कर दी फिर हमने, 10 लीटर ऑफ लिक्विड बी वॉज एडेड। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस 10 लिख देंगे। अब हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हुआ, बेस रेशो, फाइनल रेशियो, और बीच में हमारे पास नंबर्स मिल गए। अब यहाँ पे तो नंबर -8 है, ओके, यहाँ -2 + 10, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 8। अब तो सिंपल है सॉल्व करना, तो ये बेस रेशियो, फाइनल रेशियो, क्या स्टेप था हमारे पास, रेशियो रेशियो की क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस। तो 4 को 3 से कराया 12, और 2 को 1 से कराया 2, तो 12 में से 2 गए तो क्या बचा हमारे पास, 10, 10 यूनिट आ गया। फिर दूसरा प्रोसेस क्या था, फाइनल रेशियो और बीच वाले नंबर की क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस। अब 8 × 3 = 24 और 2 × 8 = 16। इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, मैंने बताया था यहाँ पे साइंस का रूल लगता है, दो साइन अगर अपोजिट हैं तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों प्लस होंगे यहाँ पे, माइनस नहीं। तो 24 और 16 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहां से जीरो कटी और एक की वैल्यू क्या आ गई, एक की वैल्यू आ गई 4 लीटर। अब जो भी वैल्यू आती है हमेशा कहां पुट होती है, इस बेस रेशियो में पुट होती है। तो यहां से एक की वैल्यू अगर 4 है तो इस 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 लीटर, और इस एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 लीटर। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कंटेंड इन द जार इनिशियली, कि शुरुआत में जो क्वांटिटी ए है वो कितनी थी उस जार में, तो वो कितनी थी, 16 लीटर थी। तो ये 16 लीटर हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। चलिए अब इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, इन अ मिक्सर ऑफ 75 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 2:1। द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड टू मेक द मिक्सर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क टू वॉटर इज 1:2 विल बी।
तो पहले जो हमारे पास रेशियो है वो रेशियो है 2:1, और उसके बाद जो फाइनल रेशियो बनता है वो बनता है 1:2। और इस बीच हमें से पूछा गया तो बताओ कि जो पानी की जो क्वांटिटी है, पानी की जो अमाउंट है वो कितनी ऐड करें कि वो 2:1 से 1:2 बन जाए। तो ये है हमारे मिल्क के लिए और ये है हमारे पास वाटर के लिए। तो हमसे बोला गया कि वाटर ऐड करना है, तो इसका मतलब सिंपल हुआ कि हमारा मिल्क जो है वो सेम होना चाहिए। तो नीचे वाली इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ऊपर मिल्क 2 है तो नीचे भी हमें 2 करना है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल बनेगी वो बनेगी 2:4। अब हमारे पास मिल्क दोनों जगह पे क्या है, सेम। तो यहां से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो 3 यूनिट है वो हमने ऐड की है, और ये 3 यूनिट किस चीज की ऐड की है हमने, वाटर की। तो 3 यूनिट वाटर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो शुरुआत कर देखिए, 2:1 टोटल क्वांटिटी कितनी हुई, 3, और ये टोटल क्वांटिटी हमें क्वेश्चन कितनी दे रहा है, 75 लीटर। तो यहां से 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 25 लीटर। 25 के 75 होता है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास हो गई 25 लीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितना पानी ऐड किया गया, 3 यूनिट पानी ऐड किया गया। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की 25 है तो 3 की हो जाएगी 75 लीटर। तो 75 लीटर वाटर हमने ऐड किया, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन 729 लीटर मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 7:2। तो मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:2। टू गेट अ न्यू मिक्सर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3 द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड। सिंपल सा क्वेश्चन है बड़ा ही, कि पहले 7:2 था और बाद में हो गया 7:3। तो बताओ यहाँ पे हमने कितना पानी ऐड करना पड़ रहा है, या कितना पानी हमें ऐड करना चाहिए कि ये वाला नया मिक्सर बन जाए। तो देखिए, पानी ऐड करना है तो मिल्क सेम होना चाहिए, और इस क्वेश्चन में हमारे पास मिल्क पहले से ही सेम है, यहाँ भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि हमने 1 यूनिट किसकी ऐड की है, वाटर की ऐड की है। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 7:2 इनिशियल कितना हो गया, 9 यूनिट, और इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी बताई गई, 729 लीटर। तो यहां से 1 की वैल्यू निकल जाएगी 81 लीटर। 9 × 8 = 72, 9 × 9, तो ये 81 लीटर हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। देखिए, वैसे तो 1 की वैल्यू निकली 81 लीटर, पानी हमने कितना ऐड किया था, 1 लीटर, 1 यूनिट ही ऐड किया था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 81 लीटर है, तो इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। इन एन अलॉय जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 1:2। इन द सेकंड अलॉय द सेम एलिमेंट्स आर इन द रेशियो 2:3। तो हमारे पास 2 अलॉय है, अलॉय ए जिसके अंदर जिंक और कॉपर का रेशियो है 1:2। फिर उसके बाद हमारे पास है अलॉय बी जिसके अंदर सेम एलिमेंट्स जिंक और कॉपर का रेशियो है 2:3। इसके बाद क्या बोला गया, इफ दीज टू अलॉय आर मिक्स्ड टू फॉर्म एन न्यू अलॉय। अब इन दोनों अलॉय को मिक्स किया जाता है एक नया अलॉय बनाने के लिए, इन विच दीज टू एलिमेंट्स आर इन द रेशियो 5:8, जहां पे इन दोनों का जो रेशियो बनेगा वो 5:8 बनेगा, अलॉय नंबर सी में। तो सिंपल है कि हमने इन दोनों को मिक्स किया और क्या बना दिया, 5:8 बना दिया। तो बस हमसे यही पूछा गया है कि यहां से कितनी क्वांटिटी हमने निकाली और यहां से कितनी क्वांटिटी निकाली। द रेशियो ऑफ दीज टू अलॉयज इन द न्यू अलॉय, तो इन दोनों का ए और बी का क्या रेशियो हमने यूज किया, ये सी बन गया। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो है, इन सभी की काउंटिंग की जाती है। तो यहां पे टोटल हो गया कितना, 3, यहां पे टोटल हो गया 5, और यहां पे टोटल हो गया 13। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहां पे लिया जाएगा एलसीएम, तीनों का एलसीएम, 3, 5 और 13 का एलसीएम। तो तीनों ही अलग अलग टेबल पे जाएंगे, तो इसीलिए 3, 5 और 13 को क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आना है वो हमारा एलसीएम होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करना है हमें, हमें एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि हम जिंक को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या कॉपर को लेके।
लेकिन अभी हम यहां पे दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, पहले जिंक और फिर कॉपर। तो देखिए सिर्फ जिंक को लेके कॉपर, जिंक को लेके हम सॉल्व करेंगे। और याद रखिए कि जिंक पहले है, तो ये जो वन, ये टू और ये फाइव, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिंक को। ये दो तीन और आठ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉपर को। तो सबसे पहला काम क्या है, जो तीन है यहाँ पे टोटल, इसको उस एलसीएम से क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा। तो अगर तीन से तीन डिवाइड होकर कट जाएगा तो तेरह पंजे क्या बचेगा? पैंसठ बचेगा, तो 65। और 65 को फिर इस जिंक से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे आ जाएगा 65। फिर ऐसे ही इस तरफ से जिंक निकालेंगे हम। देखिए यहाँ पे टोटल क्या नीचे? पांच। तो पांच से ये पांच डिवाइड होके गया और तेरह तीन उनतालीस बचा 39। अब उस 39 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है? 39 को यहाँ पे किससे? 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 78। इसके बाद सेम थर्ड स्टेप दोहराएंगे, नीचे 13 है तो इस एलसीएम के नीचे हम क्या रखेंगे? 13 रखेंगे। वही 13 से 13 कट गया, पांच से क्या आ गया? 15 आ गया। अब 15 को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75 बस। और अब ये यहाँ पे क्या लग जाएगा? एलिगेशन लग के हमारा आंसर निकल आएगा। 78 में से 75 गए तो बचा 3, और यहाँ से 75 में से 65 गए तो बचा 10। तो 3:10 जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। चलिए ये तो फिर फर्स्ट स्टेप ही था, एक बार कॉपर को लेके भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि इजिली दो बार अगर रिपीट हो जाएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एक बारी में ही समझ में आ जाए, कभी कभार उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो उस तरफ हमने जिंक ले लिया, अब यहाँ पे हम कॉपर को लेके इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो कॉपर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां से दो, यहां से तीन और यहां से आठ। तो सबसे पहला वही काम हमारा, टोटल जो तीन है डिवाइड में रखेंगे। तो तीन से तीन गया तो तेरह पंजे क्या आएगा? पैंसठ आएगा। अब 65 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो टोटल हो जाएगा 130। क्लियर। उसके बाद ऐसे ही 5 को 5 में डिवाइड में रखा तो 13 तीय क्या आ गया? 39 आ गया, 39। अब 39 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 117। 40 तीय 120 और फिर 3 माइनस कर दो तो 117 हो गया। अब उसके बाद बीच वाला नंबर सेम, तो 13 को 13 से डिवाइड किया, क्या बचा? 5 दिए 15 बचा। 15 को 8 से करना है तो बीच में आ जाएगा 120। वही एलिगेशन लगाएंगे, 120 में से 117 गए तो 3, और वही 130 में से 120 गए तो आ गया 10। तो यहां से भी हमारा आंसर क्या आएगा? 3:10 ही आएगा, चाहे हम कॉपर को लेकर सॉल्व करें चाहे हम जिंक को लेकर सॉल्व करें, दोनों तरीके से ही हमारा 3:10 ही आंसर आएगा। इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 किलोग्राम ऑफ टी कॉस्टिंग रुपीस 280 पर किलोग्राम इज मिक्स्ड विद 9 किलोग्राम ऑफ टी कॉस्टिंग रुपीस 240 पर किलोग्राम। द एवरेज प्राइस पर किलोग्राम ऑफ मिक्स्ड टी, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है? एवरेज प्राइस निकालना है पर किलोग्राम के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे? सिंपली 7 को करेंगे 280 से मल्टीप्लाई ताकि टोटल प्राइस आ जाए, प्लस में यहां से जो भी वैल्यू आएगी 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 240 के साथ, ताकि यहां से टोटल वैल्यू आ जाए, और दोनों की टोटल वैल्यू को प्लस करके टोटल किलोग्राम से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो टोटल किलोग्राम कितना हो जाएगा? 9 और 7 16 बस। इसको जैसे सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? एवरेज प्राइस होगा। तो 7 0, 7 56 का 6 हासिल 5, 7 2 14 और 5 19, 1960 ये आया, प्लस में 0, 9 4 36 का 6 हासिल 3, 9 2 18 और 3 2160 ये आता है, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। दोनों को अगर प्लस करते हैं 2100 और 1900 हो गया 4000, और 4120 बटे 16, फिर ये 16 से जाएगा, 16 2 32, यहाँ से बचा 9 92, फिर 16 5 80, 12 120, और फिर ये कुछ 254 कुछ पॉइंट कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। कंप्लीट यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, 120, 16 एकम 16,
सोलह दूनी 32, नौ बचा 92, 16 पंजे 80, फिर उसके बाद 16 सत्ते, तो 257 पॉइंट समथिंग कुछ हमारा ही आंसर आएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का। तो 257 पॉइंट जो भी हमारे बाय ऑप्शन अगर हम देखेंगे चेक करेंगे तो वहां से हमारा आंसर एग्जैक्टली निकल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, सिंपली टोटल वैल्यू निकालनी है और फिर टोटल किलोग्राम से डिवाइड करके एवरेज प्राइस निकल जाएगा। चलिए अब इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ मिक्सचर ऑफ 30% अल्कोहल स्ट्रेंथ बी मिक्स्ड विद 50% अल्कोहल स्ट्रेंथ सो एज अ मिक्सचर ऑफ 45% अल्कोहल स्ट्रेंथ कैन गेट। सिंपल बोला गया है कि दो टाइप के अल्कोहल है हमारे पास, एक जिसमें 30% अल्कोहल और दूसरा लिक्विड कौन सा जिसमें 50% अल्कोहल है, और दोनों को कुछ इस तरीके से मिलाना है कि हमें ओवरऑल क्या मिल जाए, 45% अल्कोहल स्ट्रेंथ का लिक्विड मिल जाए। तो बताओ कि इन्हें किस रेशियो में मिलाया जाए। तो सिंपल है, 50 में से 45 गया 5 और यहाँ से 45 में से 30 गया तो 15 और कटिंग करके क्या आ गया 1:3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिल्क एंड वॉटर इन अ मिक्सर आर इन द रेशियो 7:5, 15 लीटर ऑफ वॉटर इज एडेड टू इट, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वॉटर इन द न्यू मिक्सर बिकम्स 7:8, द टोटल क्वांटिटी ऑफ वॉटर इन द न्यू मिक्सर इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको वन बाय वन। देखिए पहले जो मिल्क और वॉटर का जो रेशियो है वो क्या है 7:5, और फिर क्या बोला गया 15 लीटर ऑफ वॉटर एडेड, तो 15 लीटर पानी यहां पे ऐड कर दिया। उससे क्या हुआ, जो नया रेशियो बना वो बन गया 7:8। तो टोटल क्वांटिटी पूछी गई है वॉटर की नए मिक्सचर में, बड़ा इजी है निकाल लेंगे। पहले देखिए मिल्क दोनों जगह पे सेम होना चाहिए क्योंकि हमने क्या ऐड किया है, पानी ऐड किया है यहाँ पे, तो 7 पहले और 7 ही बाद में। तो 7 पहले है मिल्क और 7 ही है बाद में, तो एक चीज क्लियर होगी कि नॉर्मली हमने वॉटर ऐड किया और वॉटर कितना ऐड किया यहाँ पे 3 यूनिट वॉटर ऐड किया, 5, 6, 8 हो गया, तो 3 यूनिट वॉटर ऐड किया और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15 लीटर है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना पानी ऐड किया गया, 15 लीटर पानी ऐड किया गया, तो यहां से कटिंग करके 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 लीटर आ जाएगी। अब जो भी ये वैल्यू आती है ये वैल्यू हमेशा बेस रेशियो में पुट होगी ऊपर वाले में, तो 5 को ऊपर 7 से कराया तो पहले मिल्क था 35 लीटर, 5 को अगर 5 से कराया तो पहले वॉटर था 25 लीटर, और अब पानी कितना मिला दिया था हमने 15 लीटर मिला दिया था, तो टोटल 40 लीटर पानी जो है वो हमारे नए मिक्सर में है और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अ पर्सन हैज केमिकल्स ऑफ ₹25 पर लीटर, इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड विद केमिकल्स बाय सेलिंग द मिक्सचर एज ₹20 पर लीटर ही मे गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे केमिकल्स और फिर इस तरफ ले लेंगे हम वॉटर। केमिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो बताया गया है ₹25 और दूसरी तरफ वॉटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो बताया गया है ₹0। अब यहां से क्या प्रोसीजर फॉलो होगा कि अगर वो ₹20 का उसको बेचता है तो उसे कितने का फायदा होता है, 25% का उसको फायदा होता है, तो यानी कि इस ₹20 में 25% पहले से इंक्लूडेड है, तो जो ₹20 है ये क्या हो गया, ये बन गया 125%, ये बन गया 125%। अब यहां से हमें क्या चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा यहाँ पे 100% होगा, तो सिंपल 20 और इसके डिवाइड में आ जाएगा 125 और वहां पे दूसरी तरफ क्या बच गया, फिर 1% बच गया, 125 को हम नीचे ले आए तो वहां पे क्या बचा, अकेला परसेंट बचा जो क्या है 1%। अब दोनों तरफ कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा 100% की वैल्यू निकल जाएगी। अब 25 से गया 4 पे और 25 से गया 5, फिर 5 एकम 5, 5 चौके 20 और यहाँ से 4 को 4 से कराया तो 16, तो ये जो 100% है इसकी वैल्यू क्या हो गई, ₹16 हो गई। तो भी जो ₹25 वाला केमिकल ₹0 वाले पानी के साथ मिक्स किया तो कितने का बनाया उसने, उसको 16 का बनाया,
ठीक है। अब 16 देखिए, एक से छोटा है और दूसरे से बड़ा है, तो ये परफेक्ट है यहाँ पे। अब 16 में से 0 गए तो क्या बचा, 16, और 25 में से 16 गए तो क्या बच गया, 9। तो किस रेशो में मिलाया उसने, 16:9 में मिलाया, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट हम देखते हैं 14। इन एन 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मिल्क टू दैट अमाउंट ऑफ वाटर इज 7:3। तो हमारे पास 7:3 में मिल्क और वाटर का रेशियो है। टू मेक दिस रेशियो 2:1 हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड, और इसको हमें क्या बनाना है, 2:1 बनाना है, तो बताओ कितने लीटर पानी हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो समझिए ये मिल्क है और ये हमारे पास इस तरफ वाटर है, तो अगर पानी ऐड करना है तो मिल्क हमारा सेम होना चाहिए। इसके लिए ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और नीचे वाली को 7 से मल्टीप्लाई, तो दोनों जगह पे क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 14:6 और नीचे आ जाएगा 14:7। ये नीचे आ जाएगा 14:7। अब यहाँ पे मिल्क दोनों जगह पे सेम है और वाटर क्या होगा, 6 से 7 हो गया। तो हमने वाटर कितना ऐड किया, +1, तो 1 यूनिट हमने यहाँ पे वाटर को ऐड किया है। तो देखिए ऊपर का जो रेशियो है वो कितना है, 14 और 6 = 20, टोटल है 20, और यहाँ पे टोटल हमें कितना बताया गया, 80 लीटर बताया गया। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 4 लीटर निकल जाएगी, और पानी भी हमने यहाँ पे कितना ऐड किया, 1 यूनिट ऐड किया है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 लीटर है, तो 4 लीटर हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो 4 लीटर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। चलिए ये हमारे पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसल ए एंड बी कंटेन्स मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 3:5 and 6:1 रिस्पेक्टिवली। इन व्हाट रेशो शुड क्वांटिटीज ऑफ मिक्सर बी टेकन टू फॉर्म ए एंड बी फ्रॉम ए एंड बी टू मेक अ मिक्सर इन विच मिल्क टू वाटर इज इन द रेशो 1:1। अभी थोड़ी देर पहले जो कॉपर और जिंक का क्वेश्चन आया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। हमारे पास 3 अलग अलग वेसल्स बनेगी। अब तो पहले वाले जो वेसल है इसमें है 3:5, दूसरे वाली में है 6:1 और तीसरे वाली में है 1:1, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे क्या था, टोटल करना। 3:5 का टोटल किया 8, 6:1 = 7 और यहाँ पे बन गया 2। और इसके बाद हमें क्या करना था, एलसीएम लेना है, 8, 7 और 2 का एलसीएम। तो 8, 7, 2 का एलसीएम बनेगा 56, 8 × 7 ही बनेगा, क्योंकि देखिए 2 जो है 8 में कवर हो जाएगा, तो 8, 7 = 56 हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। इजिली आप भी कर सकते हैं, अगर एलसीएम निकालना आता है तो निकाल के देखिएगा, 56 यानी कि 8 × 7 ही आएगा। अब हमारे पास स्टेप क्या है, या तो हम मिल्क को लेके सॉल्व करना स्टार्ट कर ले और या फिर हम वाटर को लेके सॉल्व करना स्टार्ट कर ले। तो पहले हम मिल्क करते हैं फिर इसके बाद हम वाटर भी ले लेंगे। तो ये जो 3 है, ये 6 है और ये 1 है, जो पहले वाला ये रिप्रेजेंट करता है मिल्क को। फाइनल जो वैल्यू बनती है टोटल, उससे एलसीएम को डिवाइड करवाते हैं, तो 8 से 8 डिवाइड हुआ तो क्या बच गया, 7 बच गया, और 7 को या 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21। तो मिल्क इस फर्स्ट में से कितना है, 21 है। ऐसे ही 7 से 7 डिवाइड हुआ तो क्या बच गया, 8, और 8 को 6 से कराया तो 48, तो यहाँ पे आ गया 48। अब इसके बाद नीचे क्या है, 2। अब 2 को इस 8 से डिवाइड कराया तो क्या बच गया, 4, और 4 × 7 = 28, वहां से क्या आया एलसीएम से, 28 निकल के आ गया। 28 को इस 1 से मल्टीप्लाई कराया तो बीच में क्या आएगा, 28। रेशियो निकालेंगे, 48 में से 28 गए तो बचा 20, और 28 में से 21 जाएगा तो बचेगा 7। तो 20:7 जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अब जैसे हमने मिल्क को लेके सॉल्व किया, इसी तरीके से हम वाटर को लेके भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए वाटर को लेके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को, बताइए। एलसीएम वही 8 × 7 है, टोटल 8 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, 7 बच जाएगा। 7 को यहां 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 35। इसके बाद ऐसे ही 7 को 7 से डिवाइड किया तो क्या बच गया, 8 बच गया, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा 8। क्लियर।
अब है यहाँ पे दो, तो वही दो को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, दो को यहाँ डिवाइड करने से क्या बचेगा, 4 × 7 यानी कि 28, 28, और 28 को यहाँ एक से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा 28। तो देखिए 8 में से 28 जाएगा तो क्या बचेगा 20, और 28 में से 35 या 35 में से 28 गया तो क्या बचेगा 7। तो वही दोबारा से हमारा क्या आंसर आता है, 20:7 ही आता है। तो एग्जाम में हमें किसी एक को लेकर सॉल्व करना है, या तो मिल्क या फिर वॉटर। तो जैसे जिंक और कॉपर वाला हमने सॉल्व किया था, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12,500 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम, 50% ऑफ बॉयज एंड 70% ऑफ गर्ल्स क्लियर द एग्जामिनेशन। इफ द टोटल परसेंटेज स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग इज 60%, हाउ मेनी गर्ल्स अपीयर्ड इन द एग्जाम। तो देखिए किसी भी स्कूल में 12,500 टोटल स्टूडेंट है, और इसमें से 50% बच्चे और 70% लड़कियां क्या हुई है, एग्जाम में पास हो गई है। तो यहां पे लिखेंगे 50 और यहां पे लिखेंगे 70, और ओवरऑल जो टोटल परसेंटेज ऑफ पास होने की वो कितनी है, 60 है। 50 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉयज को, और 70 किसके लिए है, गर्ल्स के लिए है। अब देखिए बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला दिया तो टोटल बच्चे बन जाएंगे, और टोटल पास होने वाले कितने हैं, 60%। बस यहां से 70 से 60 गए तो कितना बचा, 10, 60 में से 50 गए तो 10, 0 से 0 कटी, और 1:1 हमारे पास क्या आ गया, रेशो आ गया किसका, बॉयज और गर्ल्स का। क्योंकि जो टॉप है, टॉप पे कौन है, बॉयज और गर्ल्स का परसेंटेज लेके चल रहे हैं, तो जो आंसर निकलेगा वो बॉयज और गर्ल्स का ही निकलेगा। 1:1 का क्या मतलब है कि जितने स्कूल में बॉयज है उतने ही स्कूल में क्या है, गर्ल्स है। तो 1:1 टोटल कितना हो गया, 2, तो टोटल यूनिट 2 है, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 12,500। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी निकलेगी, 12, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 1 = 10, 2 × 5 = 10 और 0। तो 6,250 ये हमारे कितने हो जाएंगे, बॉयज और गर्ल्स दोनों सेम है, तो 6,250 गर्ल्स हो गई। आगे क्या पूछा गया था, हाउ मेनी गर्ल्स अपीयर्ड इन द एग्जाम, तो एग्जाम में तो सभी गर्ल्स अपीयर किया होगा, तो 6,250 हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। देखो डायरेक्टली वो ये भी पूछ सकते हैं कि वहां पे स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, लड़के कितने हैं, और सिंपली घुमा के थोड़ा सा ये पूछ लिया कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितनी गर्ल्स ने एग्जाम दिया, तो क्या आएगा, 6,250 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देर इज 27 लीटर प्योर मिल्क इन द कंटेनर, 1/3 ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वॉटर। अब इसका 1/3 पानी हमने निकाला और रिप्लेस कर दिया, तो 27 का 1/3 9 लीटर होता है, तो 9 लीटर निकाला और पानी भर दिया उसमें। बट अगेन 1/3 ऑफ द मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड, दोबारा से फिर हमने 1/3 निकाला, अब इस बार कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वॉटर इज एडेड, और दोबारा से इक्वल अमाउंट ऑफ वॉटर हमने क्या कर दिया, वहां पे एड कर दिया। तो वट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वॉटर इन द न्यू मिक्सचर, तो मिल्क और वॉटर का नए मिक्सचर में क्या रेशियो होगा। ये प्रोसेस तो यहाँ पे सिर्फ 2 बार हुआ है, किसी क्वेश्चन में 3 बार 4 बार भी होता है, तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है वो देख लेते हैं हम। देखिए कितना रिप्लेस किया जा रहा है, 1/3 किया जा रहा है, 1/3। अच्छा अभी बताइए कि शुरुआत में देर इज 27 लीटर प्योर मिल्क, शुरुआत में वहां पे हमारे पास क्या है, 27 लीटर प्योर मिल्क है, तो ये नीचे की जो क्वांटिटी 3 है ये टोटल होता है, जो बेस है ये टोटल होता है, और ऊपर वाली वो चीज जो हमें ऐड करनी है या रिमूव करनी है। तो यहाँ पे 3 अभी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले मिल्क की क्वांटिटी 3 थी, और अगर वहां पे एक क्वांटिटी मतलब 1/3 रिमूव कर दिया तो क्या बच गया, 2 बच गया, 3:2, तो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल को, और 2 किसके लिए है, अब ये मिल्क के लिए। इसके बाद आगे क्या बोला गया, अगेन 1/3 ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव, दोबारा से 1/3 रिमूव किया गया, तो फिर से 3:2 आ जाएगा। हमें देखना ही नहीं है कि वहां पे अब 18 लीटर पानी है, 9 लीटर वो है, कुछ भी, सिंपल रेशो पे चलेंगे। तो 3:2 हुआ, दोबारा 3:2 हुआ, एक बार और लिखा तो दोबारा 3:2 लिख देंगे बस। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल है 3 × 3 = 9, और यहाँ पे 2 × 2 = 4। तो देखिए क्या फर्क पड़ा कि टोटल जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 9 है, और उसमें से मिल्क कितना बच गया फाइनल में, 4 बच गया, 4 यूनिट। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो मिल्क टू वाटर, मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है,
तो मिल्क की क्वांटिटी तो हमें पता चल गई 4 यूनिट है, और वाटर की क्वांटिटी फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 4:5 हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। क्यों? क्योंकि टोटल हमारे पास क्या यहाँ पे 9 है। तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। चलिए तो आज के लिए हम इतने क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कल की नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ और मिक्सर एलिगेशन के कुछ मुश्किल या फिर और अच्छे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। आज की क्लास को ये खत्म करते हैं। थैंक यू।